36 घंटे के अंदर बैंक से लूटे गए 19 लाख रुपए में से लगभग 10 लाख बरामद। छपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अपराधी भी हुए गिरफ्तार। सोनपुर के गोला बाजार स्थित IDBI बैंक से बुधवार को हुई 19.5 लाख रुपए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। सारण पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले कुल 5 लुटेरों को 3 कट्टा और 6 कारतूस, 1 बाइक और 1 कार के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान लूट की राशि से 9.5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किया है। SP डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सभी लुटेरों के द्वारा 1 महीने से बैंक की रेकी की जा रही थी और इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सोनपुर DSP के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के अंदर ही 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी इस कांड में शामिल एक लुटेरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, साथ ही लूट के अन्य 10 लाख रुपए भी बरामद करना बाकी है, जिसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 21 अगस्त को गोला बाजार सोनपुर थाना क्षेत्र में IDBI बैंक की शाखा से 19,75,850 रुपये की लूट होने की सूचना मिली थी, जिस पर हम लोगों ने तुरंत वहां पहुँच करके के जांच शुरू कर दी थी। इसमें वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर हम लोगों ने लगातार इसमें जांच की। SIT का गठन SDPO सोनपुर श्री नवल जी के नेतृत्व में किया गया था और इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई करते हुए कल रात्रि 12 बजे के लगभग 36 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और कुल 9,31,200 रुपए कैश जो कि बैंक से लूटे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। इनके पास से 3 हथियार और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं, 6 मोबाइल मिले हैं और अन्य भी सामग्रियां मिली है, जिसमें कि जो लूट में प्रयुक्त हुआ था अपाचे बाइक उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है और इसके साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी जो है हम लोगों ने सीज किया हुआ है। इसमें जो है 2 मुख्य लोग, इन 5ों में से 2 मुख्य लोग जो बैंक के अंदर उस दिन थे उनको पकड़ा गया है, उनके नाम रमेश चौधरी और देवानंद राय हैं। बाकी 3 इनके सहयोगी हैं जिनके पास से हथियार बरामद हुआ है, जो इन्होंने घटना में सहयोग किया है और पूर्व के साथी रहे। इसमें 1 अभी फरार चल रहा है जिसको हमें पकड़ना है, क्योंकि उस दिन घटना में आप लोग सभी लोग जानते हैं 3 लोग शामिल थे, तो ये घटना 3 लोगों ने ही करी थी उस दिन मौका वारदात पर, उसमें से 1 अभी फरार है जिसको हम लोग बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक लाइनर, इन लोगों ने खुद से उस बैंक की रेकी 1 महीने से वो कर रहे थे, बैंक में चेक भजाने के माध्यम से बैंक के आसपास जा कर के देख रहे थे, तो इन्होंने लाइनर अलग से होने की बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इनका आपराधिक इतिहास है, जो रमेश चौधरी है वो शराब के कांड में जेल जा चुका है और जो देवानंद है राय है वो सोनपुर से ही 2021 में एक मर्डर केस में जेल जा चुका है। पहले से इसमें 9,31,200 बरामद हम लोग कर चुके हैं, इनके 10 लाख के भी लगभग। गार्ड की भूमिका भी कुछ संदिग्ध बताई गई, गार्ड की भूमिका की जांच की गई है, तो गार्ड की भूमिका अभी तक इन लोगों के साथ नहीं पाई गई है, इसलिए उसे मुक्त किया गया है। उसकी ड्यूटी में लैप्सेस पाए गए हैं जिसके लिए उसे सतर्क किया गया है, अगर वो सजग रहता सतर्क रहता तो शायद ये घटना रुक सकती। पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और इसमें बढ़िया काम करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर और थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजनंदन के लिए पुरस्कार की अनुशंसा हम आदरणीय DIG महोदय से करेंगे, बाकी सभी पुलिसकर्मियों को हमारे स्तर से रिवॉर्ड दिया जाए। सभी कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सभी अपराध